तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग हस्तिनापुर में एक नई सुबह के साथ स्टार्ट करने वाले हैं अपनी जर्नी को। कल रात में हम लोग होटल में आए थे, आप लोगों को दिखाया था, मनीष भाई ने मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था। और आज हम लोग चलते हैं हस्तिनापुर घूमने, जैन मंदिर और पांडव मंदिर, बहुत सारे मंदिर बहुत बढ़िया बढ़िया हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला घूमने में। तो चलो आज चलते हैं। और मनीष कैसा रहेगा आज का दिन? अभी सुबह सुबह ताज़ी है, बहुत जल्दी उठ चुके हैं, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, क्या कहते हैं, नाश्ता वास्ता करेंगे और फिर जाएंगे मंदिर अंदर घूमेंगे तो आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं, हमारे साथ बने रहें वीडियो के एंड तक। और दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लग रहा है ब्लॉग। और चलो चलते हैं हस्तिनापुर घूमने, फुल एडवेंचर करेंगे आज के दिन, चलो चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग होटल से निकल के यहाँ पे नाश्ता करने आ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे नाश्ता करके फिर एक एक करके सारे हस्तिनापुर के मंदिर घूमेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। जब तक के लिए ब्लॉग में बने रहना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। तो चलो चलते हैं और घूमते हैं एक एक करके हस्तिनापुर। तो फाइनली दोस्तों हम लोग कैलाश पर्वत मंदिर घूम चुके हैं और यहाँ पे ना अंदर जैनिस्ट और फैमिली की ही एंट्री है। हम लोग को बस थोड़ा सा गार्डन वगैरह दिखा दिया, वो आप लोगों को ब्लॉग में दिख ही जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने फोटोग्राफी भी बनाया यहाँ पे, फिर भी आपके लिए थोड़ा बहुत बनाया है। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ जम्मू द्वीप और वहाँ दिखाएंगे आप लोगों को जम्मू द्वीप। तो चलो चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग जम्मू द्वीप अंदर आ चुके हैं जम्मू द्वीप के, अब हम लोग यहाँ पे घूमेंगे और फिर आप लोगों को दिखाएंगे ब्लॉग के अंदर। तो चलो चलते हैं जम्मू द्वीप के अंदर। तो आ ही गए हैं, अब आप लोगों को दिखाते हैं कैसा लग रहा है जम्मू द्वीप में। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत भव्य भव्य मंदिर दिख रहे हैं और इसका बनावट इतनी अच्छी लग रही है, बहुत बढ़िया ही लग रही है। आप एक बार ज़रूर यहाँ पर आएँ, बाकी अगर जैन हो तो आपको यहाँ पर सारे मंदिर घूमने की इजाज़त मिल जाएगी, नहीं तो बाकी वैसे तो आप यहाँ पर घूम सकते हैं। तो चलो दिखाता हूँ जम्मू द्वीप। तो फाइनली दोस्तों हम लोग सुमेरु पर्वत पे आ चुके हैं और हम लोग बोटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, और ये देखो पीछे सुमेरु पर्वत। तो चलो आप लोगों को दिखाता हूँ पीछे से व्यू। हम लोगों ने बोटिंग कर ली है, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब हम लोग हाथी पे बैठे हैं और ये ट्रक चल रहा है हमारा। और कैसा लग रहा है परिंद भाई? बहुत बढ़िया लग रहा है।
मनीष बहुत ही बढ़िया लग रहा है, पहली बार हाथी पे बैठा। देखो आप लोगों को दिखाता हूँ पीछे से व्यू, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बोटिंग करी और एरावत पे भी घूमे, तो अब आ चुके हैं ट्रेन, तो आप देख सकते हैं। तो चलते हैं और मजे लेते हैं ट्रेन के। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने ट्रेन से भी घूम लिया है, अब हम लोग जाए हैं हंसी के गोलगप्पे वाली ट्रेन पे और काउंटर पे जा रहे हैं टिकट लेने। तो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे ट्रेन के अंदर। तो देखते रहिए और बने रहिए व्लॉग में। तो ये है नॉर्मल चीज, जितनी देर के देखेंगे उतनी देर में आ जाएंगे। फाइनली दोस्तों हम लोग कोल्हापुर झूले पे आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है दोस्तों। अभी ट्रेन भी झूली है, आप लोगों को पीछे से दिखाते कितना मज़ा आ रहा है। देसी भाषा में नाव वाला झूला बोलते हैं दोस्तों। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है दोस्तों नाव में झूले में। ये डर रहे हैं मैं, तो हाँ सुन जा लो तुम्हारी वीडियो बना देता हूँ एक। हाँ भाई करता हूँ, बहुत ज्यादा मजा आया और पेट में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। दोस्तों हमने जम्मू कश्मीर घूम चुके हैं, आप देख सकते हैं पीछे इसका मेन गेट है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं ग्रीनलैंड। बहुत मजा आ रहा है दोस्तों, बहुत ज्यादा ब्लॉग में बने रहना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। तो अब हम यहाँ से हमने रिक्शा ले लिया है ग्रीनलैंड जाने के लिए, चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग ग्रीनलैंड फार्म हाउस आ चुके हैं, देखो पीछे ही है ग्रीनलैंड फार्म हाउस, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है दोस्तों, हम लोग स्विमिंग पूल जाएंगे, बहुत ज़्यादा मज़े करेंगे। हस्तिनापुर में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, आप लोगों ने देखा हम लोगों ने वो वाले मंदिर में कितनी सारी एक्टिविटी करी है। तो अब लोग चलते हैं अंदर की तरफ। मनीष कैसा लग रहा है हस्तिनापुर? बहुत बड़े लग रहा है, बहुत गर्मी हो रही है, पर अब जाएंगे स्विमिंग पूल में नहाएंगे और बहुत मज़े करेंगे। आओ तुम्हें आगे पे दिखाते हैं कितना प्राइस राइज है यहाँ पे, तो चलो दिखाता हूँ अंदर की ओर। आ जाओ
दोस्तों देखो हम लोग बोटिंग कर रहे हैं यहाँ पे और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं हस्तिनापुर के अंदर स्विमिंग पूल में। ये ग्रीनलैंड स्विमिंग पूल है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे स्विमिंग करने में। तो कैसा लग रहा है मस्त व्लॉग देखना और बताना कैसा लग रहा है। तब तक के लिए हम लोग स्विमिंग कर रहे हैं और चलते हैं बाहर की तरफ। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है दोस्तों यहाँ पे। देखो मैं तुम लोग को डुबकी मार के भी दिखाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने पूल में नहा लिया है। अब हम लोग नहाने के बाद बाहर जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आया है और मैं क्या बताऊँ, ऐसा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम मेरे बर्थडे का रहा है, सच बता रहा हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसने बहुत कुछ मेरे लिए बर्थडे वाले दिन किया है। तो अब लोग चलो चलते हैं बाहर की तरफ और आप लोग को दिखाता हूँ हस्तिनापुर का पूरा व्यू। चलो चलते हैं, ये फार्म हाउस का व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ ग्रीनलैंड फार्म हाउस घूम लिया पूरा, नहा लिए, बोटिंग कर ली और बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे हैं दोस्तों। अब हम लोग चल रहे हैं बाहर की तरफ। इतना ज़्यादा मज़ा फर्स्ट टाइम मुझे आया है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। और मनीष कैसा लग रहा है भाई? बहुत बढ़िया लग रहा है। ये क्रोकोडाइल भी है, ये भी गर्दन ना आ गया। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी प्लेस है। यहीं पे रूम भी अवेलेबल्स हैं, यहीं पे रहो और अपना नहाओ धो घूमो फिरो। अगर आप लोगों को दोस्तों के साथ आना पूरा फार्म हाउस, मतलब आओ रूम बुक करो और आराम से रहो 2-3 दिन जैसे भी जाना। बहुत प्यारी फैसिलिटी है। हम लोग ग्रीनलैंड से निकल चुके हैं और ई रिक्शा में हम लोग पीछे की तरफ बैठे हुए हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हम लोग जा रहे हैं वापस जम्मू दीप। परिंदा कैसा लग रहा है पीछे बैठ के? बहुत बढ़िया लग रहा है। ये जुगाड़ केवल भारत में ही देखने को मिल सकता है और उनमें से ये एक बैटरी रिक्शा के साथ जुगाड़ करके पीछे सीट लगाई गई है। ये देखो बाकी गाड़ियों में होती है और शायद ये आपको कहीं और ना मिले, इसलिए अगर आपको इसका आनंद उठाना है तो जम्मू दीप एक बार आना ही पड़ेगा भाई। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा पीछे बैठने का। देखो मैं पीछे से व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने हस्तिनापुर घूम लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं वापसी दिल्ली की तरफ और हम लोगों ने बस ले ली है। अब हम लोग चलते हैं दिल्ली। तो कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो चलो चलते हैं।